अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज फिर हम लाए आपके लिए छोटी सी वीडियो है जी, छोटी सी चुनु मुनु सी वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और हेल्थी होने वाली है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। चलिए जी, टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। आज की वीडियो हेयर डैंड्रफ पर है। जब सर्दियाँ आती है तो हम उबलते हुए पानी से नहाते हैं तो सर में खुश्की हो जाती है, हमारे सर के ऊपर स्किन की स्किन उतरना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम बड़े प्यार से डैंड्रफ भी कहते हैं। और ये डैंड्रफ हमारी पर्सनैलिटी पर बहुत इफेक्ट करती है। और इस डैंड्रफ को देख कर बहुत सारे लोगों को लगता है कि इनके सर में जुएँ पड़ गई हैं। तो क्यों लोगों को इस तरह के वहम व गुमान से निकाला जाए। आज जो रेमेडी हम आपको बताने लगी हूँ उसका आप लोगों को 97% रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि 100% रिज़ल्ट तो किसी चीज़ का नहीं मिलता और 97% रिज़ल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। आप लोगों ने इस रेमेडी को हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करना। अगर किसी की डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, हद से भी ज़्यादा, तो 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। चले जी, हम रेमेडी को बना लेते हैं, बाकी की बातें बाद में करते हैं। रुके रुके एक और बात सुनते हैं। लेमन के बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर है कि ये हेयर्स को वाइट कर देता है, हेयर डाई उतार देता है। ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाल वाइट होने हैं वो तो यार होने ही होने हैं ना। और मैं इस रेमेडी को हफ्ते में 2 बार यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ था और अचानक से ही आया है और बहुत ज़्यादा ही डैंड्रफ था, ठीक है जी। जिसकी वजह से मैं हफ्ते में 2 बार यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला मुझे। और साथ में मैं ऑयलिंग भी करती हूँ और कंडीशनर भी करती हूँ। उसके बाद मैं 1 मंथ में 1 दफ़ा हेयर मास्क भी यूज़ कर लेती हूँ। मेरे बालों को तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। एवं इस तरह के वहम गुमान में नहा कर निकले इन वहम गुमान से और रेमेडी को यूज़ कर चले जी, रेमेडी बनाते हैं। अब हम सबसे पहले लेंगे एक बाउल, ठीक है जी, और एक चम्मच भी लेना है आप लोगों। अब हम लेंगे एलोवेरा जेल, 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लेनी है हमने बाज़ार की, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर से लम्स ख़त्म हो जाएं, ठीक है जी। लम्स नहीं होने चाहिए एलोवेरा जेल के। मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल ले लिया। अब 1 टेबलस्पून और लेते हैं, क्योंकि हमने 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल डालनी है। मेरी मुमकिन कोशिश थी कि मैं छोटी से छोटी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आप लोग बड़ी वीडियोस देखना पसंद नहीं करते हैं, और इस वजह से बहुत ज़्यादा एडिट करने के बाद 5 मिनट की वीडियो बनाई है। तो अब हम लेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून एप्पल विनेगर डालना है हम लोगों ने, या 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून, और अब हमारा लास्ट टेबलस्पून है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। उसके बाद हमने इसके डालना है 7 से 8 ड्रॉप्स लेमन के। मैंने 8 ड्रॉप्स डाले थे, आप 7 भी डाल सकते हैं, 8 भी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है। और जिन लोगों को स्किप स्किप करने की आदत है, पूरी देख लिया करो कि होता है। 5 मिनट की वीडियो तो सारी है, और आप लोगों के लिए भी स्किप कर करके हम छोटी सी वीडियो बनाते हैं और उसको भी आप स्किप कर करके देख रहे हो। अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको, जैसे हम यहाँ मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं एलोवेरा जेल बिल्कुल मिक्स हो गई है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 साशे एंटी लाइस शैम्पू, ठीक है जी। मैंने 2 साशे मंगवाने थे, लेकिन पूरी की पूरी बोतल आ गई, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ 2 टेबलस्पून डाल लेते हैं, आप 2 साशे ले लीजिएगा, क्योंकि मैं वीक में 2 टाइम्स यूज़ कर रही हूँ इसको। तो इस वजह से यहाँ हमने एक ले लिया शैम्पू। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब हम इसके अंदर ये शैम्पू डालेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। घबराना नहीं आप लोगों ने कि ये क्या बन गया है। तो जब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ना, तो ये बिल्कुल ही मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम बिल्कुल मिक्स कर रहे हैं, मिक्स 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 अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर हम। और आपने इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करना है, ठीक है। आपने ये देख के बिल्कुल स्किप नहीं करना, बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये रेमेडी। और मैं इसको वीक में 2 टाइम यूज़ कर रही हूँ। चलिए, जब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है, और अब हमने इसको अप्लाई किस तरह करना है। अप्लाई से पहले आपने अपने बालों में कॉम करना है अच्छी तरह से, और जितने भी कोई डैंड्रफ है उसको उतारना है, ठीक है जी। आप खारिश भी कर सकते हैं अपने बालों में, अच्छी तरह से हाथ मारे भी जितना भी कोई डैंड्रफ है उतर जाए। और उसके बाद आपने अपने बालों की लेयर्स बना के और इसको लगाना है, ठीक है जी। जिस तरह ऑयलिंग करते हैं, कुछ इस तरह से आपने इसको लगाना है, और 30 मिनट तक लगा के रखना। लगाने के बाद आपने कैप पहन लेनी है। अगर कैप नहीं है तो पाकिस्तानी मेरे टोटके लड़ाते हुए आपने शॉपर पहन लेना है, ठीक है जी। और 30 मिनट लगा रखना है। 30 मिनट के बाद आपने इसको वॉश कर लेना है किसी भी शैम्पू से, जो आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर कंडीशनर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत ही सस्ती सी रेमेडी है, बहुत ही ईजी सी रेमेडी है, और आपको किसी भी स्टोर से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अपना फीडबैक देना आपने नहीं भूलना। और रुके रुके कहाँ जा रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब किसने करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।